अच्छा यार, आज रफी क्रिकेट स्टेडियम, उसके पास इतने सस्ते प्लॉट्स आपको मैं दिखाने वाला हूँ ना कि यकीन माने 500 गज के प्लॉट्स हैं ये, और बहुत ही ज़्यादा सस्ते। मतलब इतने पैसों में तो यार लोग 125 गज के भी प्लॉट्स ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी, और रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम को भी देखेंगे हम साथ साथ, और आपको प्रॉपर अप टू डेट करूंगा। जो लोग चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो फिर चलते हैं बगैर किसी इंतज़ार के। ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये सामने आपको थीम पार्क नज़र आ रहा होगा, ये सामने थीम पार्क है, ठीक है। ये आप इसकी, मैं असल में आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि डिस्टेंस कितना बनता है थीम पार्क से लेके प्रीसेंट, जहाँ पे मैं आपको लेके जाऊँगा उस ब्लॉक में, जहाँ पे 500 स्क्वायर यार्ड्स के जो प्लॉट्स हैं। वेलकम टू बैरिया टाउन कराची लंदन ब्रिज। ये बैरिया टाउन कराची 2 नहीं है, ये बैरिया टाउन कराची 1 है। अच्छा, तकरीबन ये बनते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा सामने स्टेडियम, और ये स्पोर्ट्स सिटी विलास, तकरीबन 13-14 किलोमीटर हम आगे आ चुके हैं थीम पार्क से। ये आपको आईफिल टावर भी नज़र आता है। सो हेयर वी आर प्रीसेंट 33। ये आपको गैलरी नज़र आ रही होगी, गैलरी आप देख सकते हैं, शॉपिंग गैलरी है ये। और यहाँ पे स्पोर्ट्स सिटी विलास में जो लोग रहते हैं, स्पोर्ट्स सिटी विलास के जो रिहायशी हैं, वो यहीं से अपनी जो भी ज़रूरतें ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो यहाँ से आगे परचेज़ करते हैं। यहाँ पे आपको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक स्टोर भी मिल जाता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बड़ी हाइटेड लोकेशन है, यहाँ से मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये कराची सुपर मार्ट है, ये आप देख सकते हैं। और मैंने जो दिखाना है ना आपको, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये आपको स्टेडियम नज़र आ रहा होगा, ये स्टेडियम है। कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हाइटेड लोकेशन पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये ठीक है। ये आपको प्रीसेंट 33। अच्छा, मैं आपको जो लोकेशन मैं दिखाना चाहूँगा, अच्छा ये दूसरी तरफ आप, पता नहीं अभी नज़र आएगा या नहीं, ये सामने स्पोर्ट्स सिटी विलास है। ये आपको लग रहा होगा मैं कायद विला या टेने वाली साइड गैलरी में मौजूद हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये है प्रीसेंट 33 की गैलरी है। ये वो वाली स्ट्रीट्स हैं जिनको बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि ये गैलरी के सामने हैं, ये आपको नज़र आ रही होंगी। ये एक घर भी बन रहा है यहाँ पे, स्पोर्ट्स सिटी विलास भी यहाँ से बहुत करीब हैं। और न्यू कटिंग कहाँ पे है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा साथ। अच्छा, मैं ना आप लोगों को जो आज इस प्रीसेंट में लेके आया हूँ, उसकी वजह ये है कि आप जान सकें, एक तो स्टेडियम की अपडेट भी आपको देनी है, उसके अलावा जो लोग कम बजट में अपने लिए, थोड़ा और तेज़ चला लो भाई, रॉन्ग साइड ये रॉन्ग साइड वाले चक्कर पता नहीं कब ख़त्म होंगे। अच्छा, तो आपको मैंने दिखाना है यहाँ बैरिया टाउन कराची में, आप जिस बजट में 125 गज़ तक के प्लॉट लेते हैं, डिस्टेंस ज़रूर मैटर करता है, लेकिन 500 गज़ के प्लॉट्स के भी ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। 500 स्क्वायर यार्ड्स का ये प्रीसेंट है, प्रीसेंट 33, जो कि थीम पार्क से हमने इसकी कैलकुलेशन की कि कितना डिस्टेंस इसका बनता है, तकरीबन 18 किलोमीटर ये थीम पार्क से बन जाते हैं इसके। और यहाँ पे जो न्यू कटिंग में आपको तकरीबन 55-56 लाख रुपए से लेके 60 लाख रुपए तक आपको नॉन पेड प्लॉट मिल जाता है, जो कि नॉन पेड ही ट्रांसफ़र भी हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात कर लें स्टेडियम के पास अगर आप किसी अच्छी स्ट्रीट में प्लॉट लेते हैं, तो उसका रेट आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। कंस्ट्रक्शन की भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, कुछ घरों की कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। तो खैर, मैं अभी दोबारा से एक दफ़ा फिर प्रीसेंट के अंदर जाने लगा हूँ, क्योंकि मैं पहले था दूसरी साइड पे जहाँ पे गैलरी है, तो अब मैं दूसरी साइड से इस एंटर होने की कोशिश करूँगा, जहाँ से मैं आपको न्यू कटिंग की भी अपडेट दे सकूँ। प्रीसेंट 33 में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और ये आप देख सकते हैं दो घरों की एक साथ कंस्ट्रक्शन हो रही है। मैं बिल्कुल इसके करीब भी जाने की कोशिश करता हूँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि मैं आपको न्यू कटिंग दिखाता हूँ यार। ये अच्छा एक और घर है, ये आप देख सकते हैं, इसकी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लोग अपने लिए घर बनाते हैं। इसके अलावा इसका ये आप देख सकते हैं, ये स्ट्रीट टूर भी हो रहा है साथ साथ। प्रीसेंट 33, ये वो स्ट्रीट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोग जिनको पसंद करते हैं, स्ट्रीट 92 ई, तो ये वो लोकेशन है जो बिल्कुल स्टेडियम से करीब हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा करीब हैं ये। तो ये आप देख सकते हैं, ये 92 ई, ये स्ट्रीट है। अच्छा, इसके अलावा इस जगह की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपको कितने बजट में प्लॉट मिल जाएगा,
तो इस टाइम पे आपको तकरीबन यहाँ पे 90 से 95 लाख रुपए में अलॉटमेंट के साथ प्लॉट मिल जाता है। अगर आप कैटेगरी पे जाएंगे तो फिर वो थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। इसी तरीके से अगर आप चले जाएँ थोड़ा सा और आगे चले जाएँ, यहाँ से स्ट्रीट 1, 2, 3, 4, 5 वाली साइड पे चले जाएँ, वहाँ पे आपको तकरीबन कोई 75 लाख रुपए से लेके कोई 80-85 लाख रुपए तक आपको वहाँ भी प्लॉट मिल जाता है। न्यू कटिंग की मैंने आपको अपडेट दी कि न्यू कटिंग में, अच्छा बात ये, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार हमें न्यू कटिंग की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। डेफिनेटली अगर आपका बजट अलॉटमेंट वाले प्लॉट का है, अगर आप अलॉटमेंट वाला प्लॉट अपने लिए परचेज कर सकते हैं तो आपको अलॉटमेंट वाला ही प्लॉट लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका बजट कम है, अगर आपका बजट कम है तो ये जो नॉन पेड प्लॉट आपको नज़र आ रहे हैं ना, जो आज नॉन पेड हैं, ठीक है, जैसे ही यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है, एक दफ़ा से फिर ये सामने आपको उधर मेन जिना भी नज़र आ जाता है। मैं दोबारा बाहर निकल आया हूँ, मैं दोबारा आगे से इंटर होता हूँ। तो कहने का मकसद ये कि ये जो नॉन पेड प्लॉट आपको आज नज़र आ रहे हैं, जैसे ही यहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो जाएगा, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रहेगी साथ साथ आपको आपका आपका जो प्लॉट है उसकी प्राइस में भी इजाफा होगा। क्योंकि उसकी वजह ये कि एक चीज़ नॉन डेवलप आप ले रहे हैं और उसके बाद फिर जैसे ही वहाँ वो डेवलप हो जाती है। मेरे साथ मेरे एक दोस्त मौजूद हैं, वारिस नाम है इनका। वारिस भाई आपको याद होगा, आज से कुछ साल पहले हम लोग यहाँ पे आए थे, कुछ साल भी नहीं बल्कि एक साल पहले, कुछ माह पहले, एक साल लगा ले। जी जी बिल्कुल ऐसे। तो ये जो एरिया ये सारा नॉन डेवलप था उस वक्त, ठीक है, लेकिन जो नॉन डेवलप की प्राइस थी वो काफ़ी कम थी और आज जबकि डेवलप है और इस बाज़ार में भी, इस इन हालात में भी, पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, ये रोड वन पे हम मौजूद हैं, मुझे अच्छे तरीके से याद है, ये वही जगह है, याद है अभी तक भी, ठीक है, चीज़ें याद है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जो लोग नॉन पेड चीज़ ले रहे हैं, नॉन डेवलप ले रहे हैं, तो जैसे ही वो डेवलप हो जाती है तो अच्छा, न्यू डील में भी आप देख लें कि आपको जो डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है, कहाँ पर नज़र आ रही है, मैं आपको दिखाऊँगा, मैं अभी दिखाता हूँ ना, मैं करीब जाके दिखाता हूँ ताकि आपको पता तो चल सके ना यार कि डेवलपमेंट हो भी रही है या नहीं हो रही है। ये आप डेवलपमेंट देख सकते हैं, ये डेवलपमेंट है, ठीक है, ये क्रेन लगी हुई, अच्छा यही जो स्ट्रीट है ना, ये स्ट्रीट 23 सी, ये बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने रोड वन पे मैं मौजूद हूँ और ये स्ट्रीट 23 सी है। डेवलपमेंट का काम आपके सामने है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट चल रही है और सबसे पहले जिस स्ट्रीट ने रेडी होना है वो यही है। ये आपको सामने आईफिल टावर नज़र आ रहा है और ये नॉन डेवलप एरिया जहाँ पे बैरियर टाउन ने 500 यार्ड्स की न्यू कटिंग दी है, ठीक है। तो ये वो इन्वेस्टमेंट हो सकती है, देखें अगर तो डेवलपमेंट का काम ना चल रहा होता तो समझ में आती है, ये डेवलपमेंट का काम आपके सामने चल रहा है, डेवलपमेंट का काम आपके सामने चल रहा है। अगर आप यहाँ पे अपने लिए 500 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट ले लेते हैं तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ये सबसे पहली स्ट्रीट है स्ट्रीट 23 सी, और इसके बाद फिर जो दूसरी स्ट्रीट्स हैं वो भी मैं आपको साथ साथ स्क्रीन के ऊपर मैप दिखाऊंगा, वो आप फिर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सी वाली लोकेशन है। भाई ये स्टेडियम जाने वाले सारे रास्ते पैक हो गए हैं, ट्रैफिक जैम हो चुकी है। ये ना मजाक था यार, ये इन्होंने ना सारे रास्ते बंद किए हुए, बिल्कुल कोई रास्ता भी नहीं है स्टेडियम तक पहुँचने का। तो स्टेडियम तक तो हम नहीं जा सके, लेकिन हमारे जो और काम हैं हमने वो भी निपटाने हैं, तो ये रास्ता ढूंढते ढूंढते हमें बहुत देर हो जाएगी, तो हम चलते हैं अपने दूसरे काम की तरफ। लेकिन यार बात को ना समझें, बात को समझें कि आपने अगर सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर ली, बैरियर टाउन कराची हो या कोई भी जगह हो, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को आपने समझना है। अच्छा मैं आपको सही टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का क्यों कहता हूँ, मेरी हर वीडियो में मैं यही बात करता हूँ कि आप सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करें। यही चीज़ें जब आपको 80-85 लाख रुपए में मिलेंगी, फिर ये ऊपर जा चुकी होती हैं, फिर आप तब आते हैं लेने के लिए, तो तब कोई फ़ायदा नहीं। आप सही टाइम के देखिए, फ़ायदा तो किसी टाइम पर भी है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा टाइम दें, आप अगर 2-3 माह के लिए आते हैं ना लेने के लिए, तो तब आप मेहरबानी करें, आप ना करें ये वाला काम, इसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कहने का मकसद ये है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, ये जो आपको न्यू डील के प्लॉट्स मिलेंगे इसके ऊपर पोजीशन यूटिलिटी आपको पे नहीं करना है, लेकिन जो इसका टैक्स है, टैक्स 2% होता है बैरियर टाउन कराची में, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट होती है, वो भी मैं अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे मैं आपको बता दूंगा। और इसके ऊपर ट्रांसफ़र फ़ीस भी कोई अप्रॉक्सीमेटली कोई 1,55,000 रुपये के करीब बनती है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इन जो मैंने न्यू कटिंग के हवाले से आपको अपडेट किया, मैं आपको लेके भी गया, विज़िट भी करवाया वहाँ पे। मैं क्यों वहाँ जाके आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ? मैं इसलिए आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपको पता चले। मेरा मकसद ये नहीं है कि आप आओ, आप मुझे फ़ोन करो कि यार आप मुझसे ही आके ले लो। आप किसी से भी ले रहे हो चीज़, कहीं से भी आप अपने लिए प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपको वीडियो के सूरत में वहाँ से जो इंफॉर्मेशन्स है, वहाँ पे जो डेवलपमेंट है, वहाँ पे क्या स्टेटस है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप तक वहाँ जिस भी प्रेसेंट के हवाले से मैं आपको बता रहा होता हूँ, जिस भी ब्लॉक के हवाले से मैं आपको बता रहा होता हूँ, तो उसमें मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि मैं ऑन ग्राउंड जाके आपको तमाम चीज़ों के बारे में बता सकूँ। तो सिर्फ मेरी एक कोशिश होती है, और उसके बाद फिर कुछ लोग कहते हैं कि यार क्या आप जो है ये बैरिया 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 कर रहे हो, हालात किधर जा रहे हैं? भाई बात सुने, हालात जहाँ पे भी जा रहे हैं, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। सर आप अपना मोबाइल साइलेंट कर लें प्लीज़, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो कहने का मकसद ये, हालात बेहतर हो जाएंगे जिन लोगों ने, अच्छा क्या इस टाइम पे खामोश होकर लोग बाइंग नहीं कर रहे? जो लोग इस टाइम पे बाइंग कर रहे हैं ना, ये टाइम आपको फिर एक टाइम आएगा जब प्रॉपर्टीज़ बहुत ऊपर चली जाएंगी, तो आप उस वक्त पछताएंगे। तो आपने सही टाइम के ऊपर बाइंग करनी है, और फिर सही टाइम के ऊपर अपना प्रॉफिट निकाल के आपने बाहर हो जाना है। दो चीज़ें, सिंपल सी बात है। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो से इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट सैयद साजिद हुसैन शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।